बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करने के बावजूद भी शराब का कारोबार जारी है। ताजा मामला पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब स्थित डुमखाना इलाके का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मकान में छापेमारी कर 177 कार्टून में भरा 2001 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया। वहीं छापेमारी की भनक मिलते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में शराब का खेप लाकर पुराने मकान में रखा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की टीम ने उस मकान को सील कर दिया है। वहीं पुलिस ने फरार मकान मालिक व शराब कारोबारी जयकांत की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। जयकांत राय के बंद पड़े एक पुराने मकान में काफी संख्या में शराब स्टोर करके रखा हुआ है। उसी सूचना के आधार पर रेड किया गया। रेड के क्रम में लगभग 177 कार्टून शराब जो कि विभिन्न ब्रांड के थे, रॉयल चैलेंज, पीरियड ब्रू, रॉयल स्टेज, पार्टी स्टीम करके, ग्रीन लेवर करके, ये सारे ब्रांड पाए गए। और उसके अलावा कुछ ग्राम में चेंज पैसे जो कि स्टोर करके ये कार्टून के सिक्के थे जिसे कि रखा गया था, उसको भी बरामद किया गया। किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जयकांत राय द्वारा उस मकान में शराब रख करके गैरकानूनी धंधा किया जा रहा था। उस मकान को सील करने की भी कार्रवाई की जा रही है, जिसका कि अधिग्रहण का भी प्रस्ताव दिया गया। किस मोहल्ले से बरामद हुई है सर? ये मंगल तालाब स्थित डुमखाना के।